भाजपा वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद जयभान सिंह पवैया ने आज कांग्रेस को रूप बदलने वाले बहुरूपिया राक्षस काल नेमी बताकर जमकर हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर राम मंदिर के दिखावटी समर्थन करने का आरोप भी लगाया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में विकास में पिछड़ चुकी कांग्रेस पहले नकली हिंदू बनकर गली गली भटके, लेकिन जब राम मंदिर बनने की खुशी में पोस्टर लगे तो वही कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई। ये कांग्रेस की नकली भक्ति है। उन्होंने हमास मामले में ये कहा कि विदेश नीति में पहली बार देखा गया कि मानवता के नरसंहार करने वाले के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है, वह भी सिर्फ 4 राज्यों के चुनाव के कारण। भारत 1400 इजरायलियों की मौत पर खड़ा हुआ है, वहीं सोनिया गांधी हमास का राग अलाप रही हैं और यहाँ खरगोन में हमास के आतंकवादियों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान श्री पवैया ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहाँ नेहरू ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पर रोक लगाई थी और विदेशी खलीफा जब भारत आया तो मंदिर पर काला कपड़ा डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उसी विचारधारा से हैं जिस विचारधारा से नेहरू ने कहा था कि आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट। और इसलिए ऐसा अवसरवादी दल जो माथे पर चंदन लगाकर पहले वोट मांगने की कोशिश करता है और काम नहीं चला तो हरे चादर से अपने माथे को ढकने की भी कोशिश करता है, और इसलिए मैंने पहले कहा इसको भक्ति का कालनेमी संस्करण कहा जाता है। गरीबों के कल्याण के मामले में झूठे वादे करने वाली कांग्रेस के कारतूस इस बार चुनाव से पहले गीले हो गए। कुछ एनजीओ कमलनाथ जी का घोषणा पत्र बनाती रह गई तब तक शिवराज सिंह जी ने पैसा भी खातों में डाल दिया, और इसलिए हताशा में डूबी कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में हिंदू विरोधी तुष्टीकरण की नीति पर आमादा हो गई। मुझे आप सबके सामने आज उसकी इस नीति के बारे में ही कुछ बोलना था। मुझे लगता है कि पूछना लायक इसमें कुछ बचा तो नहीं होगा, फिर भी अगर आवश्यक हो तो मैं तो पूछ सकता हूं।